माय डियर लवली स्ट्रेंथ्स, क्या हाल है? कैसे हो तुम सब? क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई? आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का ये लेक्चर जीरो पढ़ेंगे। लेक्चर जीरो मैंने इसलिए काउंट किया इसको क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है। कुछ कॉमन नेम भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और तुम्हें समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये है क्या, इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोनल कंपाउंड कौन सा होता है। ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होता है। देखो स्टूडेंट, जिस भी कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, ठीक है, वो कार्बोनल कंपाउंड्स होगा, राइट? या जो इस तरह का जो भी कंपाउंड होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लो एल्डिहाइड्स, है ना। अब एल्डिहाइड्स है तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप है। उसी तरह यदि मैं कीटोन लिखूं तो वो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ये भी कार्बोनल ग्रुप होगा। उसके बाद एसिड ग्रुप है, एसिड यदि है तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रखता है। एमाइड की बात करूं, एमाइड भी क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू है, ये भी कार्बोनल ग्रुप होगा। ईस्टर है तो ये भी कार्बोनल ग्रुप होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, देखो इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये सब के सब क्या है, ये कार्बोनल कंपाउंड्स का पार्ट है, कार्बोनल कंपाउंड्स के ग्रुप्स है। उसके जो भी होंगे तो बहुत सारे होते हैं कार्बोनल कंपाउंड, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो गया वो कार्बोनल के कंपाउंड्स के पार्ट हो। अब देखो तो जो कार्बोनल कंपाउंड है उसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये बहुत ही पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पोलैरिटी के कारण क्या होगा कि इसके तो एक तो डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, तो ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसके ऑक्सीजन ज्यादा पोलर होने के कारण इसके जो डायरेक्शन होगी इस और होगी, है ना। एक तो क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट जो होगा तो वो ज्यादा होगा, है ना। दूसरा कि जो कार्बन कंपाउंड के पोलैरिटी के कारण इसके काफी ज्यादा पोलराइज्ड होगा। थर्ड क्या है, बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ काफी शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये होगा, ये कार्बन कंपाउंड में बेसिक चीज है, ये तो होंगे ही होंगे। अब आ जाओ इसका एक और लॉजिक पढ़ते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड है इसका होता क्या है, एसपी टू होगा। अब एसपी टू होगा तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब ये होगा तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, यानी इसके इसके बीच एंगल 120 डिग्री, ऑलमोस्ट उतना ही होगा, 120 डिग्री ये, और ये भी होगा 120, सब एक ही 120, ऑलमोस्ट 120, 120, 120 पे होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो कार्बन कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, इसमें से अपने को बहुत सारे में से दो ग्रुप पढ़ना है, वो कौन सा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब कार्बन कंपाउंड्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों सी एन एच टू एन ओ फार्मूला फॉलो करता है और सी डबल बॉन्ड ओ रखता है, इसलिए कलेक्टिवली हम इसे कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। अब देखो जो कीटोन्स होते हैं एल्डिहाइड तो ठीक है, अब जो कीटोन्स होंगे, कीटोन्स में क्या है, कीटोन्स में टू पार्ट्स होंगे, एक सिंपल कीटोन जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल कीटोन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिंपल कीटोन के अलावा सिमेट्रिकल भी कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स भी कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल ले लो सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, अब देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, या सी एस थ्री सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस थ्री, यहाँ भी देखो सेम ग्रुप है दोनों तरफ, ये सिंपल कीटोन में आ जाएगा। दूसरा होता है मिक्स्ड कीटोन और सिमेट्रिकल, जिसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन में क्या होगा, दोनों तरफ ग्रुप डिफरेंट होगा, है ना। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप सी एस थ्री सी टू एच फाइव, दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है तो वो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं।
चलो अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट कॉमन नेम डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसके एनसीईआरटी में तो कॉलम बना रखा है, तो वहां तुमको सारे कॉमन नेम अच्छे से करो, कॉमन टू आईपैक, आईपैक टू कॉमन, दोनों नेम, क्योंकि बोर्ड में यूजली आईपैक दे देते हैं, बोलते कॉमन नेम बनाने के लिए, और कॉमन नेम दे देगा, बोलेगा इसका आईपैक नेम बताओ, और कन्वर्जन भी बहुत आते हैं कॉमन नेम टू आईपैक। बट मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे देखो एक्रोलीन है, एक्रोलीन ये क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये एक्रोलीन ग्रुप होता है, एक्रोलीन कंपाउंड कहते हैं। फोर कार्बन के जो भी कंपाउंड होंगे, फोर कार्बन के, उसे हम लोग उस वो जो मेन रूट कंपाउंड है वो है वेलर कंपाउंड कहते हैं। और वेलर नहीं, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब ये क्या होता है, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CHO, अब ये चार कार्बन है तो हम क्या बोल देंगे, ब्यूटाइड तो बोल देंगे, और एल्डिहाइड ब्यूटाइल्डिहाइड बोल देंगे, क्लियर हो गया। और यही एसिड रहता तो क्या बोलते हैं, ब्यूटरिक एसिड बोलते हैं, एमाइड रहता तो क्या बोलते हैं, ब्यूटरामाइड बोलते हैं, है ना। उसी तरह से यदि मैं 5 कार्बन वाले ग्रुप ले लूँ, उसमें एल्डिहाइड लगा दूँ, तो वो होता है वेलर ग्रुप। मतलब क्या है कि CH3 CH2 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 और CHO, तो ये जो कंपाउंड है वेलरल डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलरल डिहाइड। और देखो 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे मान लो ये लिखा हमने, ठीक है, अब ये लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको और कैसे कहते हैं, इसको इसको हम लोग एक्रल डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को हम लोग एक्रल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो कंपाउंड है, जो एक्रल डिहाइड मैंने लिखा हूँ, अब इसके नेक्स्ट कार्बन क्या है, 4 कार्बन प्लस, यदि एक डबल बॉन्ड आ जाए, कौन सा बोल रहा हूँ, यदि अपने पास 4 कार्बन है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है, C C C C, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्रोटोन कहते हैं। अब एल्डिहाइड है तो क्रोटोनल डिहाइड हो जाएगा, समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलो बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि एल्डिहाइड जो कंपाउंड है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव ग्रुप, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का, ईथर्स का, उससे ज्यादा होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स ले लो या ईथर ले लो, इन सबसे ज्यादा होता है। अब ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर क्या होता है, डायपोल, इंटरमोलिकुलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो होता है इज स्ट्रॉन्गर होता है, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। बट कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, किसका बोल रहा हूँ, अब देखो जैसे कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये एल्डिहाइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन में ले रहा हूँ, तो इस एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। तुम पूछोगे ऐसा क्यों, देखो कीटोन में CH3 2 CH3 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस कार्बन कार्बोनल ग्रुप के आसपास पोलैरिटी डेवलप ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा पोलर हो जाएगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, तो इससे पोलैरिटी बढ़ने से, ठीक है, तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, कि मोर पोलैरिटी होगा तो मोर बॉन्ड फॉर्म करेगा, समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस कार्बोनल ग्रुप को क्या करता है, मोर पोलर बना देता है, मोर पोलर बना दे, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके। बट इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा स्ट्रेंथ, ये लोअर होगा किससे, लोअर देन एल्कोहल। अभी समझ में आ गया होगा क्यों लोअर देन एल्कोहल होगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन्स है उसके अंदर एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस होता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज बता दूँ तुमको कि
लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ऐसा क्यों? क्योंकि लोअर मेंबर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि जो लोअर मेंबर है, देखो लोअर मेंबर जो होता है ना, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आर स्केवल होता है और विथ वाटर, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, राइट। जैसे एग्जांपल देख लो, मैं एक लिखता हूँ कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है, अब एक और ले लेता हूँ कीटोन, और यहाँ पे देख लो जैसे मैंने वाटर लिया OH, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो सॉलिबिलिटी, तो ये इसका मतलब ये बोलोगे कि लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा बिकॉज वो कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। बट स्टिल क्या होता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो होगा डिक्रीज करते करेगा, जैसे चेन की लंबाई बढ़ेगी, यानी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। बट स्टिल एक बात और बता दूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ऑल एल्डिहाइड कीटोन्स बता रहा हूँ, सारे एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं वो फेयरली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता बट ठीक है, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे ईथर ले लो, ईथर है या मिथेनॉल है, इसमें फेयरली सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये चीज है होता है इसका, एल्डिहाइड कीटोन्स का, ठीक है। अब और एक और चीज की, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एल्डिहाइड कीटोन्स का, उसका जो ऑर्डर होता है वो लेस पंजेंट होता है, ठीक है, एंड मोर फ्रेग्रेंट होता है। वो कब होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, यानी यदि साइज को तुम इंक्रीज करते चलो, साइज इंक्रीज करेगा किसका, एल्डिहाइड्स का या फिर कीटोन का, साइज यदि बढ़ेगा तो जो ऑर्डर होता है उसका, ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लेस पंजेंट होता है, ठीक है, लेस पंजेंट होगा और मोर क्या होता है, फ्रेग्रेंट होगा, राइट। ये होता है कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ओके, एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।